नशे की गिरफ्त में आए कुछ मासूम बच्चों को देखकर एक व्यक्ति का दिल ऐसा पसीजा कि उन्होंने इन बच्चों की ज़िंदगी संवारने का जो जिम्मा उठा लिया। हम बात कर रहे हैं राजधानी रायपुर के संतोषी नगर स्थित आदिवासी आश्रम की, जहां प्रयास ही कुछ बच्चे जो है पढ़ाई करते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले, आज से 3.5 साल पहले, जब कुछ बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करते थे तो महेश नेताम पुलिसकर्मी जो है महेश नेताम ने उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं, उनकी जो है ज़िंदगी संभालने को उन्होंने जिम्मा उठा लिया। आप देख सकते हैं कि आज लगभग 3.5 साल बाद 750 से ज़्यादा बच्चे जो है आज यहाँ पे काम कर रहे हैं। इन्हें UPSC पुलिस की तमाम जो है ट्रेनिंग दी जाती है। आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में ये बच्चे काम कर रहे हैं। आज से 3.5 साल बाद पहले जो है महेश नेताम ने जो है इन बच्चों को जो है ज़िंदगी में आगे बढ़ाने का कुछ कर दिखाने का जो है इन्होंने जिम्मा संभाला था। कुछ बच्चे भी हम उनसे बातचीत करेंगे। कितने दिनों से आप लोग ये सब कर रहे हैं और क्या आपको ट्रेनिंग? उस टाइम महेश नेताम जी ने इसकी शुरुआत की थी, उस टाइम सिर्फ 4 बच्चे थे और अभी जनसंख्या कुल 300 से 400 हो चुकी है। यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को अदर एक्टिविटीज़ जैसे कि सिंगिंग हो गया, डांसिंग, स्पोर्ट्स, उन सब चीज़ों में भी इनको आगे बढ़ाया जाता है। मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं पढ़ाई के साथ साथ उनका अदर चीज़ में भी इंटरेस्ट होता है। जैसे कुछ बच्चे गाना अच्छा गाते हैं, कुछ बच्चे सिंगिंग डांस अच्छा करते हैं, तो उनको उस चीज़ों में, उस क्षेत्र में भी उनको बढ़ावा दिया जाता है। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने नेशनल किए हैं, आटिया पाटिया इन मुंबई और स्टेट दिल्ली राजरा, इन जगहों पर भी बच्चे सर्टिफिकेट पाकर आ चुके हैं। अच्छा, आप लोग अभी क्या कर रहे हैं यहाँ पे? जी दरअसल हमें, हमारी एकेडमी तो खुल चुकी है, ये श्री प्रयास संस्था जो है वो पुलिस परिवार द्वारा संचालित किया गया था, तो यहाँ पे हमारे पढ़ने लिखने के लिए सुविधा है, लेकिन हमारे खेल कूद के लिए बिल्कुल भी जगह उपलब्ध नहीं था। तो इसके लिए जो बाजू में, प्रयास के बाजू में जो हमारा मैदान दिख रहा है, तो फिर यहाँ पर सभी बच्चे ने मिलकर सोचा कि यहाँ पर हमारे मैदान, स्पोर्ट्स मैदान बनाया जाए। तो इसके लिए सभी बच्चे साफ़ सफाई कर रहे हैं, यहाँ तक कि ये जो मलबे हैं तो फिर इन सभी को समतल कर रहे हैं ताकि हमारे लिए खेलने के लिए जगह बन सके। एक बात बताइए, आप लोग कहाँ कहाँ से आए हैं? आप लोग कितने बच्चे यहाँ पे रहते हैं और पिछले कितने दिनों से कर रहे हैं आप लोग? जी मैं तो यहीं संतोषी नगर से आई हूँ। आगे आप लोगों का क्या ड्रीम, क्या आप आगे आप लोगों का? जी मेरा ड्रीम तो IPS ऑफिसर का है और मैं बनना चाहती हूँ, और यहाँ पे PSC UPSC की भी क्लास कराई जाती है। और यहाँ का मैं अगर शेड्यूल बताऊँ तो फिर हर हफ्ते बच्चों का यहाँ पे टेस्ट लिया जाता है और बच्चे का रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। पहले जब शुरुआत में बच्चे आते थे तो फिर उनका मतलब कि उतना अच्छे से नहीं था, लेकिन अभी 3 साल में मैं देखी हूँ कि बहुत ज़्यादा ही इम्प्रूवमेंट हुआ है बच्चों में। यहाँ तक कि सबके मम्मी पापा भी आके यहाँ पे बोलते हैं कि हमारे बच्चे पहले तो उतने अच्छे से नहीं थे, कमज़ोर थे पढ़ाई लिखाई में, लेकिन ये श्री प्रयास आते ही बच्चे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, पढ़ाई में अच्छा नंबर ला रहे हैं और साथ में घर में भी बहुत अच्छे तरीके से, मतलब कि उनका बिहेवियर है, संस्कार भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई लिखाई के साथ साथ बच्चों को संस्कार भी सिखाया जाता है और साथ में खेल कूद का आयोजन, हर एक चीज़ यहाँ पर कराई जाती है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है लगभग 750 बच्चों यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, हर प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे साथ महेश भी हैं, महेश नेताम जी हैं, जिन्होंने इस जो है पूरे बच्चों को पढ़ाने की, उन्हें आकर दिखाने की, आगे बढ़ाने की जो शुरुआत की थी, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ सैकड़ों के बच्चे में आज जो साफ सफाई कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। सर आपने इसकी शुरुआत की थी, आज लगभग 3.5 साल हो गए, और आगे किस प्रकार से संचालित किया जाएगा, कैसे इन बच्चों को आगे जो है ट्रेनिंग दी जाएगी, आप कितने बच्चे हैं यहाँ पर? यह संस्था 14 मई 2018 से प्रारंभ हुई थी, जिसे पुलिस परिवार के द्वारा प्रारंभ किया गया था। शुरुआत में यहाँ पर 4 बच्चे थे, नशेड़ी बच्चों से चालू किया गया था इस संस्था को। धीरे धीरे देखते देखते यहाँ के संस्कार और पढ़ाई को देखते हुए लगभग यहाँ पर जनसंख्या बढ़ के 750 के पास हो गई है, और यहाँ पर बहुत ही ज़रूरतमंद बच्चे आते हैं। कोई अनाथ बच्चे भी हैं, किसी के मम्मी नहीं है तो पापा हैं, और पापा है तो मम्मी नहीं है, और कोई है तो कोई समोसा बेच रहा है, कोई ठेला पेल रहा है, कोई भीख मंग रहा है, ऐसे ऐसे बच्चे हैं। इन बच्चों को, जो ये देसी बच्चे हैं, इन बच्चों को उठाकर हम आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, और इसमें से कई बच्चे ऐसे हैं जिनको हम आगे बढ़ा चुके हैं, और कुछ बच्चे खेल में भी बाहर जाके अपना श्री प्रयास का और पुलिस परिवार का नाम रोशन किए हैं, गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। कुछ बच्चे जो हैं पढ़ाई में इतने टैलेंटेड हैं कि उनका अब 90% आता है। बीच बीच में है हमारे यहाँ बहुत सारे प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है ताकि बच्चे अपना परफॉर्मेंस दे सके और उनकी प्रतिभा बाहर निकल के आए। इस संस्था को हमारे यहाँ जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका सपोर्ट है, बीच बीच में वो बहुत यहाँ पर आके अपना समय देते हैं, पढ़ाते भी हैं बच्चों को, जैसे हमारे माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय DM अवस्थी सर, हमारे SP सर, IG सर, CSP सर, मतलब पूरे पुलिस विभाग के पुलिस परिवार
इस इन बच्चों का देखरेख करती है। साथ में हमारे साथ बहुत सारी संस्थाएं भी जुड़ गई हैं जो इस अच्छे काम को देखते हुए लगातार हमको सहयोग करती हैं। पुलिस विभाग तो करता ही है, लेकिन साथ में हमारे साथ बहुत सारी संस्थाएं जुड़ी हैं और आज रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है। जब आपने इसकी शुरुआत की थी तब मुश्किल भरा होगा, लगभग 4 बच्चे थे शुरुआत में, अभी देखा जा रहा है तो 750 बच्चे जो हैं। अब बड़ा मुश्किल काम होता होगा क्योंकि आप देख रहे हैं कि हम लगातार यहाँ पे बच्चे साफ सफाई कर रहे हैं, मैदान को साफ कराया जा रहा है, UPSC पे पुलिस की भी ट्रेनिंग दी जाती है। कितना मुश्किल भरा रहता है ये काम? मुश्किल भरा तो बहुत है, अभी भी इसे बच्चे आपको सफाई करते हैं, यहाँ पर दिख रहे हैं अपने खुद के ग्राउंड बना रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि जगह छोटा है, जो सामाजिक भवन में इसको आयोजित किया जा रहा था लेकिन बच्चों की जनसंख्या बढ़ गई है तो क्योंकि बच्चों के खेलने के लिए मैदान नहीं है। तो सामने में हमें मुख्यमंत्री महोदय ने यहाँ पर 2 एकड़ ज़मीन अलाट कराई है, लेकिन अभी इसमें धीरे धीरे काम चल रहा है। तो बच्चों को अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि अभी हर जगह पर स्पोर्ट्स एक्टिविटी चालू हो गई है और स्पोर्ट्स एक्टिविटी कराने के लिए हमारे पास जगह नहीं है। तो बच्चे खुद अपना स्वयं बना के यहाँ पर हल्का फुल्का रनिंग स्टाप कर रहे हैं, यहाँ पर कबड्डी भी खेलते हैं और हैंडबॉल भी खेलते हैं, अपनी तरह से प्रैक्टिस करते हैं सफाई करके। अच्छा महेश जी, एक आखिरी सवाल था कि कितने बच्चे अब तक आगे बढ़ चुके हैं या फिर किसी की पुलिस में या फिर IPS में किसी भी जॉब लगी हो, और फिर क्या बोलते हैं कितने, मतलब कितना मुश्किल भरा होगा यह काम और आगे आपकी क्या, मतलब किस तरह से ये संचालित किया जाएगा आगे? अभी हमारे यहाँ बच्चे जो हैं जैसे 12वीं क्लास में पढ़ने के बाद यहाँ पर शिक्षा लेने के बाद कंप्यूटर की शिक्षा दी गई है संस्था के द्वारा। 23 बच्चों को प्राइवेट जॉब में लगाया गया जहाँ पर वो 10 से 12 हज़ार रुपया तनख्वाह कमाते हैं, और अभी PSC की क्लासेस भी चल रही हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 10 सालों में यहाँ से कम से 22 से 23 बच्चे जो हैं IAS IPS ऑफिसर बनेंगे। और बहुत अच्छी मुहिम है और पुलिस विभाग का भी बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे पुलिस परिवार का धन्यवाद जो यहाँ पर हम लगातार सहयोग करते हैं, साथ ही जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग रहता है और संस्थाओं का भी सहयोग रहता है। तो ये थे हमारे साथ महेश नेताम, जिन्होंने जो है 4 बच्चों से शुरुआत की थी, अब जो है यहाँ पे 750 बच्चे लगातार यहाँ पे जो है यहाँ पुलिस की UPSC की तमाम जो है पुलिस कर्मियों के जो तमाम तरीके की जो है ट्रेनिंग ले रहे हैं, और इनका मकसद यह है कि कोई भी बच्चा नशे की गिरफ्त में ना आए, और जब तक इनका जो है प्रयास जो है जारी रहेगा। आपको बता दें कि पुलिस परिवार द्वारा यह संस्था संचालित की जा रही है, लगातार यहाँ पे पुलिसकर्मी DM अवस्थी व SP साहब भी यहाँ पे जो छोटे छोटे आयोजन में और बच्चों से मिलने आया करते हैं। TCP 24 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अरुण जंगेल के साथ नितिन नामदेव, रायपुर।